मेरा जीव अचानक आपके सामने आना पड़ा। टाइटल आपने देखा होगा बिल्कुल। और ये वीडियो अचानक मेरे पास आई, एक भाई के द्वारा दी गई। और जब भी ऐसी वीडियो मेरे पास आती है सत्ता आपकी, मैंने पहले भी कहा है कि मैं इसे अपने चैनल पे भी डालता हूँ ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और हम प्रार्थना करें। लेकिन ये वीडियो मैं नहीं डाल पाया क्योंकि इसमें कुछ इशू थे, इसलिए नहीं डाल पाया। लेकिन मैंने इसे इसका लिंक अपने दूसरे चैनल में डाल दिया है, आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे लिंक यहाँ पे शेयर कर रहा होगा, नीचे भी डिस्क्रिप्शन पे एंड स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा है। तो पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं उस जगह के लिए जहाँ पे हंगामा प्रार्थना में हुआ है पिता, वहाँ तेरी शांति तसल्ली हो और वहाँ पे उन लोगों पर हिम्मत दे पिता जो सताव सह रहे, और उन लोगों पर पिता अपना न्याय प्रकट कर जो कर रहे हैं पिता। वचन की हर एक बात पूरी हो रही है क्योंकि अंत निकट है पिता परमेश्वर, और इसलिए सब कुछ पूरा हो रहा है। हाँ और आमीन के साथ हम सब जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हमारी प्रार्थना का सुनकर आंसर देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, यूपी के हापुड़ की ये घटना है और ये अभी अभी मेरे पास ये वीडियो आई है, तो आप देख सकते हैं। मैंने पहले कहा है कि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है क्योंकि इस पर मैंने वीडियो डालने की कोशिश करी नहीं, वो उसमें कुछ इशू आ गया था इसलिए मैंने नहीं डाल पाया। तो एक वचन प्रभु ने मुझे दिया, वचन है मत्ती पाँच का ग्यारह लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ता को जो तुमसे पहले आए थे इस रीति सताया था। हाँ मेरे अजीज, हम जानते हैं कि परमेश्वर का आना निकट है, हम जानते हैं यीशु मसीह का आना निकट है, हम जानते हैं कि अंत के दिन की शुरुआत, इसलिए सताव ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन हमारा काम है प्रार्थना करना ताकि जो काम प्रभु ने हमें दिया हम वो कर सके। तो उस जगह के लिए प्रार्थना करें, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और विजिट कर सकते हैं उस लिंक पर। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको भी शेयर करें और प्रभु की इच्छा में हम चले मेरे अजीज। और परमेश्वर बहुत जल्द हमारे जीवन में यानी कि आने वाला है, हमें तैयार रहना है, हमें जागते रहना है। तो इसलिए प्रार्थना करें उन भाइयों के लिए, प्रार्थना करें। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हमें प्रार्थना करनी है और जागते हुए प्रार्थना करनी ताकि परीक्षा न पड़े। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन प्रार्थना के द्वारा, और जिस भाई के द्वारा वीडियो दी गई पिता उसको ब्लेस कर और प्रभु उनके परिवार को ब्लेस कर। जहाँ पे हंगामा हुआ पिता वहाँ भी पिता परमेश्वर तेरी शांति हो प्रभु जी, तसल्ली दे पिता। जितने भाई बहन मिलकर प्रार्थना कर रहे पिता, उन प्रार्थना को सुनकर आंसर देना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तुझसे क्या मांगे पिता, ये हम जानते कि तेरा आना निकट है पिता, क्योंकि अंत की शुरुआत है। क्योंकि आपने वचन खुद कहा है पिता, जब ऐसी घटना देखो तुम समझ जाओ कि अंत द्वार पर खड़ा है। इसलिए पिता हम सबको तैयार कर, और प्रभु जी जितने भी ये सतावे पिता उनको पिता परमेश्वर, उनको पिता आज जितने शहर है उनको शांति हिम्मत दे प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य नाम। और जो कर रहे पिता उनको बुद्धि ज्ञान दे, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। वीडियो को शेयर करें, उस चैनल पर भी जुड़े और वो वीडियो पूरी देखें, आपको पूरा समझ आ जाएगा पूरा मैटर क्या था। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।